आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्सेशन। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम जो है ना डेसिमल को हेक्साडेसिमल के अंदर कैसे लिखते हैं। तो हम वन को जो है ना वन लिखते हैं, वो डेसिमल में भी वन होता है, हेक्साडेसिमल में भी वन होता है। टू को हेक्साडेसिमल में भी टू लिखते हैं, थ्री को थ्री लिखते हैं, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तक जो है ना डेसिमल और हेक्साडेसिमल इक्वल होते हैं, सेम इनको लिखा जाता है। उसके बाद जब हम टेन लिखते हैं डेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल में उसको हम ए लिखते हैं, 11 को हम बी लिखते हैं, 12 को सी लिखते हैं, 13 को डी लिखते हैं, 14 को ई लिखते हैं और 15 को एफ लिखते हैं। क्योंकि हेक्साडेसिमल की बेस 16 होती है, इसीलिए हम इनको 0 से 15 तक लिखेंगे। अब हमारे पास एक जो है ना डिजिट है 7848.72, ये बेस 10 के अंदर है, इसको हमने जो है ना बेस 16 के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 7848 जो बेस 10 में है इसको हम बेस 16 में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद 0.72 को जो है ना बेस 16 के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखें, हम 7848 को हम 16 पर डिवाइड करेंगे तो ये 490 आएगा, तो रिमेनिंग जो होगा वो 8 होगा। उसके बाद फिर हम 16 पर डिवाइड करेंगे, 30 आएगा, रिमेनिंग ए होगा। अब दोबारा हम जो है ना 16 पर करेंगे तो 1 आएगा। तो हम जो है ना हमेशा जो है नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं इनको, 1E A8। तो हम ये लिखेंगे, इसकी जो है ये डेसिमल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 0.72 है, हम 0.72 को बेस 16 में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको क्या करते हैं कि 0.72 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो ये आएगा 12.52। तो 12 को हम जो है ना सॉरी 11.62 आएगा, 52 आएगा, तो 11 को हम बी लिखते हैं। तो उसके बाद फिर जो है ना 0.52 है उसको अगेन हम जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो वो आएगा 8.32। फिर हम 0.32 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो 5.12 आएगा। तो फिर हम जो है ना इसके बाद 0.12 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.92 आएगा। तो इसको हम जो है ना हमेशा जो है ना अपर से लोअर की तरफ लिखते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं। तो हम लिखेंगे B851, जैसा कि ये देखें दिखाया हुआ है कि ये B851 इसकी बेस जो है ना 16 है, तो इसको हमने लिखा है। ये 1EA8 इसकी भी बेस 16 है, पॉइंट B851 ये टोटल इकट्ठे करके हम इसकी बेस 16 लेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।